गाइस तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम आए हैं मेला में घूमने। आप देख सकते हैं इधर देशी और सोहन और क्या नाम है इधर हरिवारी और शायद यहाँ पे इनकी जी फोर क्या होता है वो आई हुई है। और आप इनके नाम ओपन करो, शॉर्ट में नाम बता दो। और देख सकते हैं इधर भाभियाँ भी घूम रही हैं और मैं काफी लड़कियों का चेहरा दिखाना चाहूंगा आपको इस ब्लॉग में। चलो बारी बारी करके दूर से और वैसा आप देखे लेकिन मतलब गंदी निगाह डाले जो भी बहन बेटी सबकी एक तार होती है। और आप जानते ही हैं तो आपसे हम यहाँ पे बरौली लेने आए थे। बरौली किधर है? किधर है बरौली? इधर फोटोग्राफी होती है, काफी अच्छा सजाया है इन्होंने। पूरा नाम मैंने नहीं पढ़ा, थोड़ा सा ही पढ़ा था। आप देख सकते हैं थ्री डी वाला चश्मा लेके आए और काफी हैंडसम लग रहे हैं, हैंडसम दिख रहे हैं। और ये काफी दोनों लोग एक साथ लगाए हुए हैं। तो अभी वो छोटी आई थी, वो क्या कह रही छोटी आई थी पढ़ाई खिला दो। चलो चलो पढ़ाई खिलाएंगे बरौले ढूंढेंगे पहले। और क्या कह रहे खिला दो सब दूर देंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इनकी छोटी का फेस शायद अगर मिल जाए तो। और काफी यहाँ पे ये रोमांचक दर्शन है। हाँ, क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो दिनेश जी को हमने सामने रख रखा है। ये बताएंगे इंग्लिश में हम क्या गलत बोल रहे हैं क्या सही, और हमें कहीं बरूले नहीं मिल रहे हैं। और गाइस आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा इधर भी ये चरक चल रहा है, उधर काफी लड़कियाँ औरतें और हमारे दोस्त भाई भी है। और इधर भी ये मेला लगा हुआ है आप देख सकते हैं। और ये काफी खुश है, पता नहीं क्या हुआ है। चलो 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 बरौले वीडियो में दिखाया था आपको और दिखाऊंगा अभी कोई और नई छोटी मिलती है। और बहुत मजा आने वाला है मेला में, नए नए सीन देखने को मिलेंगे आपके लिए। और सीन किसका सीन दिखाओ रोबू तब तक। और गाइस देखो हम पहुंच चुके हैं चाउमीन के ठेले पे। मसूर चाउमीन है इनकी यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। और ये काफी लोग यहाँ पे भीड़ भाड़ है मोटरसाइकिल है। इधर ये बरूले भी खत्म हो चुके हैं, यहाँ पर आप कढ़ाई देख सकते हैं एक बरूला पड़ा हुआ है। गाइस आप बस सुनिए खाइए मत, वीडियो में गड़बड़ हो जाएगा। जो भी होगा आपके लिए मैं स्पेशल खिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए हमें पारुल मिल चुके हैं। तो पारुल क्या कहना चाहिए इस मेले के बारे में, क्या व्यू था इस मेले का? इनका ऐसे इशारे का मतलब होता है शानदार, ये इशारा इनका अलग इशारा है, समझ रहे होंगे। हेलो गाइस अब बोल, इसमें अपनी बदनामी है ना, समझे तू ना समझे? हाँ समझ गए तो भैया। गाइस आप देख सकते हैं क्या है व्यू है, और ये व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का बैकग्राउंड इधर मेले का। हम पहुंच चुके हैं लड़कियों वाली गली में और आप देख सकते हैं इधर काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर आके हमें। और जो भी दिखता है सब कुछ दिखता है वो दिखता है। और इधर ये क्या गाड़ी वगैरह टंगी हुई है गाड़िया, और आप इधर ही देख सकते गुड़िया गुड़िया ये गुड़िया। आपको टेडी बियर से मिलाते हैं, ये है पर्सनल मॉल का। और अभी इनके दोस्त भी मिलने वाले हैं, बताइए ये क्या है? ये दुकान है, ये दुकान है और अभी दुकान पे आ चुके हैं। इधर भी जा रहे हैं, इधर गांव वालों की दुकान है लेकिन गांव वाले ही मिल जाते हैं। चलो और आप इनके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं? और आप इनके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं राम जितौली वालों के ऊपर?
रामपानी वाले के ऊपर कुछ ना बोलेंगे अगर कोई गलत हो गया तो वैसे आप लोग उठाएंगे फिर बाद में ऑब्जेक्शन उठाएंगे ऑब्जेक्शन उठा के बात करेंगे फिर और आगे कुछ लड़के हमें दिख रहे हैं हमारे गांव के हैं वो और आप देख सकते हैं बस पहुंचने वाले लड़कों के पास में और लड़कों से पूछेंगे आपको कैसा लगा ये मेला देख के और आप पूछिए इनसे कैसा लगा कैसा भाई आपको ये मेला में क्या भाई साहब यहाँ मेला बहुत बढ़िया है अपन ने इतनी व्यवस्था है कि आप देख सकते हो देखो नजारा यहाँ का देखो कितना बढ़िया है इंतजार देखो हमने हमने ये दिल्ली आ रहे हैं लोग जो प्राइवेट लोग हैं पर्सनल पर्सनल आज अपन हुए बस यहाँ पे जो हमारे रेडीमेड ये वाले रेडीमेड है सब रेडीमेड है भैया बड़े वाले हमारे और जो हमारा है गंदी आ गंदी एक बार हेलो ये अरे ये ये दवाई अरे ये छोरा मारो मौत रहे पर हो जाए रैपिड मारते हुए रेडिंग जोड़ के चली गई क्या करो गुरु ऐसा हमारे यहाँ दिल्ली आए यहाँ कोई लड़की और नहीं दे रही हमें यहाँ ये भी बहुत बड़ी मुश्किल से दिया लोगों ने भाई साहब 60 रुपए तो दिया मैं 20 रुपए थे बस इन भाई यहाँ से पैसे लिए बाकी इतने गाने गाना भी वैसा ही सुन रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ क्या शानदार सॉन्ग बज रहा है बैकग्राउंड में और ये दोनों भाई भाई ये लोग सरवाज नहीं सैनिक की बात करते हैं ये दोनों लोग साथ साथ सरवाने वाली कोई बात ही नहीं है आजकल ये बजाओ बजाओ ये सबके काफी अच्छा नजारा है यहाँ का व्यू दिखता है यहाँ से दिखता ही बहुत अच्छा है और हम ये लेडीज वाली गलियां जो भी है लेडीज कहीं छेड़ ना दे हमें काफी डर लग रहा है दुपट्टा वुपट्टा डाल के चले जाइए और हमने ये कमीज के बटन सेट के बटन लगा ले वाले बस बोले हमें बचाते रहिए कि कोई लड़की ना छेड़ दे हमें लाइव मिल चुके हैं तो हमें क्या कहना चाहेंगे आप क्या खरीद रहे हैं लड़कियों वाली गली में खड़ा होता बहुत अच्छा लगता है इसलिए यहाँ पे ठेकेदार मिल चुके हैं हमें तो ठेकेदार क्या कहना चाहेंगे आपके इस मेले के बारे में और ये रूमल हुआ क्यों नहीं ले रहे हैं तो बस हम पहुँच चुके हैं बरूले वाली दुकान पर गाइस फाइनली मिल गए बरूले और देख सकते हैं आगे हमारे गंगाराम भैया के बरूले गजड़ वाले वाले और मिल गए बरूले हाँ तो कैसे लगे आपको ये बरूले दिखाइए एक नंबर के लेकिन मैं बरूले दिखाई नहीं अभी वीडियो ये है बरूले और आप देख सकते हैं स्पेशल बरूले है हमारे कहीं द्वारा में ये ठेला लगाते हैं पटाखे अरे ये नहीं है पटाखे पानी पूरी गोलगप्पे तो आपको इन्होंने खिलाया तो कैसा लगा का माल तो काफी अच्छा लगता है इन्होंने हमें खिलाए अच्छा तो आपको कैसा लगा फ्री का मजा आ गया फ्री का और काफी लोग मिले थे उधर दो तीन लोग बहुत मजा आ गया उन लोगों से हमें मिलकर और तुम्हें मिल जाते तुमको भी मजा आ जाता गाय वो गाय लोग थे गाय लोग जैसे जैसे वो आपकी वो आ रही है अरे आओ देख सकते हैं आप कुछ भी आ सकता है पीछे से व्यू हेलो गाइस देख सकते हैं पीछे का आप तो बरूले खाने के बाद में गाइस फाइनली हम खाने वाले हैं बरूले खाने वाले अरे खाने लगे बरूले और हमारे यहाँ भाग लेंगे पाए नहीं मिल रहे हैं तैयार हुए हैं तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में और हम खानों को कहाँ पर रख दें यहाँ पर वीडियो बंद रहेगा आज रात का देखा आया आया अरे ले वीडियो रोका और गाइस हमने बरूले खा लिए हैं फाइनली और बस बरूले खा के हम जा रहे हैं आगे का ब्लॉग शूट करने जहाँ बच्चों का सामान बनता है वो सॉरी मिलता है वहीं वो अगली पॉइंट में और वो अगली पॉइंट में मतलब यहाँ से आगे बढ़ के दिखाएंगे कहने का मतलब ये जा रहे हैं अभी बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ ये है वो व्यू मतलब और ये क्या कर रहे हैं आप मेरे कपड़ों से हाथ पोंछ रहे हैं ये गलत बात है वाह चलो चलते हैं आपको क्या कैमरे व्यू दिखा देते हैं आज वाह ये फाइनली कौन सी दुकान पे हम पहुंच चुके हैं ये व्यू ये दुकान का व्यू ये पूरा लेता है अच्छा ये दुकान ये वाला हाँ यहाँ पे लेडीजों का सामान मिलता है ये बिंदी वगैरह और ये आप कहना चाहेंगे भाई साहब फॉक्स लग गया ये दुकान में लाइट काफी अच्छी की गई है ये दुकानदार हमारे दोस्त बहुत पुराने हैं इनकी दुकान कहना चाहेंगे आप नहीं कुछ नहीं कहना चाहेंगे इन्हें बहुत अच्छा लगा ये मेले में हम जा रहे हैं ये देख सकते हैं जो
का व्यू क्या नजारा है। बार बार हम बाहर आ जाते हैं, क्या कर सकते हैं, अंदर जाके बाहर आना पड़ता है। अंदर जाके पता नहीं बार बार कहते क्या है ये, क्या समझ रहा है यहाँ आता है, यही सब सभ्यता है इनकी, यही से ज्यादा कितनी सभ्यता नहीं है। और आप देख सकते हैं कितनी तेज और बजाते हैं। घूम चुके हैं मेला और जा रहे हैं अब टिक्की पैक करा के घर, और हमें टिक्की पैक कराना है, जा रहे हैं आगे। बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में, दिनेश जी टिक्की पैक कराए, आइए दिनेश जी आ जाओ। काफी अच्छा लग रहा है घूमते हुए आप बोल, और यहाँ पे गांव के लोग भी काफी मिल रहे हैं। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं टिक्की के ठेले पर, तो पैक करा लो, ये गरम करा लो, ठंडी है। और आप देख सकते हैं इधर ये टिक्की बना रहे हैं, ये भी गरम शायद मोहनपुर की है। मैं जानता हूँ, मैं ये मोहनपुर के, हर साल आते हैं ये यहाँ पे ठेले लगाते हैं। और ये भी गांव के हैं। हेलो गाइस, हाय कर दो एक बार। और दिनेश जी आपको कैसा लगा? हमें एकदम शानदार। टिक्की पैक कर दो आप। और हम टिक्की यार क्या और बनवा ले, क्या हुआ पुराने का पैक चले, पैसे दे दिए, दे दिए फाइनली हमारी टिक्की। और ये मंदिर पे ले जा रहे हैं। और मोहन आ चुके हैं, मोहन कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। और टिक्की पैक करा दी, चलो हो गया। और चलते हैं, और हमें ठेला वाले लोग बहुत अच्छे मिले थे, और जान पहचान गए थे, ये मोहनपुर के थे, मोहनपुर के ही, ये भी मोहनपुर के ही आप देखते हैं। और उन्होंने हमें जाते पहचान लिया था ठेला वालों ने, उनका इंप्रेशन चेंज हो गया, और उन्होंने हमें हंसी लगवा दी ब्लॉग में, कोई आप नहीं वैसे तो। हाँ यस सर, यस सर, यस सर। और जो भी था मतलब बहुत ही ज्यादा उन्होंने हंसी लगवा दी हमें, कोई आपने खैर वैसे तो हंसना मना, हमारे दिनेश जी ने बता दिया था। आई डोंट लाइक इट, मेरी मतलब इंग्लिश कमजोर है, क्या बोलते हैं इंग्लिश, डोंट लाइक इट। जो भी है अच्छा गाइस, तो चलते हैं बस, मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो में, नए अंदाज के साथ और अपने दोस्तों के साथ मिलेंगे हम आपको हर बार। और गाइस बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए अपना प्यार मोहब्बत। तो बस इस ब्लॉग के खत्म करते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।